एक गांव में एक लालची तांत्रिक अपनी बीवी और एक बेटी सोना के साथ रहता था। वो तांत्रिक रोज तंत्र मंत्र की साधना करता था। एक रात जब वो तंत्र साधना कर रहा होता है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, जल्दी से आओ चुड़ैलों की देवी, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं भी रावण की तरह अपनी गर्दन इसी अग्नि कुंड में चढ़ा दूंगा। आओ ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए। बता तांत्रिक, मुझे क्यों जगाया है, बोल क्या चाहिए तुझे? चुड़ैल माँ, मैं बहुत दिनों से गरीब हूँ, मुझे भी अमीर बनना है और बहुत पैसा चाहिए मुझे, बहुत सारा पैसा। अमीर तो मैं तुझे बना सकती हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया में आना होगा और मुझे एक शरीर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ देवी, बताओ किसका शरीर चाहिए तुम्हें? मेरा शरीर ले लो, ले लो, मेरी बीवी का शरीर ले लो, हाँ हाँ, हमारा, हम में से किसी का भी शरीर ले लो। अरे बेवकूफ, मैं तेरे शरीर का क्या करूंगी? अगर मैं तेरे शरीर में आ गई तो मजे कैसे लेगा पैसों के? मैं काम करती हूँ, तेरी बेटी के शरीर में चली जाती हूँ, लेकिन अगर मैं उसके शरीर में एक बार गई तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी और मैं पूरी रात अपने चुड़ैल वाले रूप में ही रहूंगी। दिन में मैं सो जाऊंगी। और कोई रास्ता नहीं है चुड़ैलों की देवी? मूर्ख, मैं केवल इसी शर्त पर तुझे अमीर बना सकती हूँ, मानना है तो मान, नहीं तो मैं चली। तांत्रिक लालचवश चुड़ैल को अपनी बेटी के शरीर में जाने की अनुमति दे देता है। चुड़ैल दूसरे कमरे में अपनी माँ के साथ सोती हुई सोना के शरीर में चली जाती है। तांत्रिक डर के मारे ये बात अपनी बीवी को भी नहीं बताता और चुपचाप आकर सो जाता है। अगली रात सोना पर चुड़ैल की देवी का साया आता है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते ही वो खिड़की से निकलती है और रोड पर से जा रही गाड़ियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी वाला बड़ी जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकता है। अरे क्या मुसीबत है, इस लड़की को भी मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है। अभी बताता हूँ पागल को, बाल खींचकर रोड के किनारे फेंकता हूँ। लेकिन जैसे ही गाड़ी वाला उसके पास पहुँचता है, चुड़ैल पलटती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है। मेरे बाल पकड़ने आया था? ऐसा कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन उखाड़ देती है और उसका खून पीने लग जाती है। खून पीने के बाद उस आदमी के सारे पैसे लेती है और वहाँ से उड़कर वापस घर पर तांत्रिक के पास आ जाती है। तांत्रिक उसका इंतजार कर रहा होता है। आ गई तू। दिखा, दिखा कितना पैसा लाई है, कितना पैसा लाई है। तांत्रिक, तूने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मेरी बहुत दिनों बाद प्यास बुझी है। ये ले पैसे और ऐश कर। चुड़ैल पैसे निकालकर तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक पैसों को देखकर खुश हो जाता है और सारे पैसे ले लेता है। अगले दिन सोना उठती है तो उसके हाथों में खून लगा होता है, जिसे देखकर तांत्रिक की बीवी सीमा घबरा जाती है और सोना और तांत्रिक से पूछती है, ये क्या है, सोना के हाथों में खून? सोना क्या हुआ है बेटी, ये खून कैसा? पता नहीं माँ, मैं तो सोने के बाद अब उठी हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तुम भी ना सीमा, हुआ होगा कुछ। देखो कहीं तुम अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना। सीमा तुम पागल हो गई हो क्या, भला मैं अपनी बेटी के साथ बुरा करूँगा क्या? ऐसा कहकर तांत्रिक सीमा के सवालों को टाल देता है। उधर चुड़ैल रोज रात को सोना के शरीर में जिंदा हो जाती और लोगों को मारकर उन्हें खा जाती और उनका सारा पैसा लूटकर तांत्रिक को दे देती। तांत्रिक धीरे धीरे अमीर होने लगता है। वो रोज सीमा के लिए नए कपड़े और गहने लाता, लेकिन सीमा का शक उस पर लगातार बना रहता था। तुम रोज नए कपड़े और गहने लाते हो, क्या बात है, एकदम से इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही साधना करने लगे हो,
सीमो, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? तुम्हें क्या मतलब, मैं कहां से पैसे ला रहा हूँ? ऐसा कहकर तांत्रिक चला जाता है, लेकिन सीमा को उस पर विश्वास नहीं होता और वो अगली रात सोने का नाटक करके लेट जाती है। रात होते ही तांत्रिक उठता है और सोना के कमरे में जाता है। सीमा भी उसके पीछे पीछे जाती है और अंदर तांत्रिक सोना को उठा रहा होता है। उठो सोना, उठो, देवी के आने का समय आ गया है, उठो उठो। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और सोना चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। तांत्रिक, मैं तेरी साधना से बहुत खुश हूँ। वैसे तो मेरे बहुत भक्त हैं, लेकिन जो सेवा तू कर रहा है वैसी सेवा मेरी किसी ने नहीं की। तूने तो मुझे अपनी बेटी का शरीर ही दे दिया। वाह, तू चिंता मत कर, अब जल्दी ही मैं तुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दूंगी। देवी, मैं तो बस आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, बस आप मेरी इस गरीबी को दूर कर दीजिए। सीमा ये सब बातें सुन रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये नास मिटा तो पैसों का इतना लालची हो गया है कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहा, उसे भी चुड़ैल बना रहा है। मैं अब क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो अपनी बेटी की जान बचाने में। इसके बाद चुड़ैल वहां से उड़कर बाहर चली जाती है और सीमा भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह वो तांत्रिक को बोलती है, मैंने कल रात तुम्हारी सारी काली करतूतों को देख और सुन लिया है, तुम तो जल्लाद बन गए हो, पैसे के लालच में अपनी बेटी की जान ले लोगे तुम। अच्छा, तो तूने सब देख लिया है, चलो अच्छा है, मुझे अब तुम्हें बताने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और ज्यादा झांसी की रानी मत बन, नहीं तो मैं तेरी भी जान ले लूंगा। सीमा डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी की जान की चिंता उसे सताती रहती है। वो ये बात अपनी सहेली रूपा को बताती है, जिसे सुनकर, हे भगवान, तेरा पति तो पैसे के लालच में शैतान बन गया है। मेरी पहचान के एक साधु बाबा हैं, वो ही इस समस्या का कुछ उपाय निकाल पाएंगे, चल उन्हीं के पास चलते हैं। सीमा और रूपा साधु के पास जाते हैं। साधु उनकी सारी बात सुनता है। सीमा बेटी, तुम्हारी बेटी की जान बहुत खतरे में है, वो चुड़ैलों की देवी धीरे धीरे तुम्हारी बेटी के शरीर में कब्जा कर लेगी और फिर वो हमेशा के लिए चुड़ैल बन जाएगी। मैं तुम्हें एक तलवार दे रहा हूँ, जब वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी के शरीर में आ जाए, तभी उस चुड़ैल की मूर्ति के सर को तलवार से काट देना, तुम्हारी बेटी उस चुड़ैल से आजाद हो जाएगी। सीमा वो तलवार लेकर घर आ जाती है और रात का इंतजार करने लगती है। रात होते ही तांत्रिक सोना के कमरे में जाता है और सोना को उठाता है। तभी चुड़ैल की देवी भी सोना के शरीर में आ जाती है। उधर सीमा चुपके से उठकर तांत्रिक के कमरे में जाती है, वहाँ चुड़ैलों की देवी की मूर्ति होती है। सीमा जैसे ही उसका सर काटने जा रही होती है कि वहाँ तांत्रिक आ जाता है। सीमा, यह क्या कर रही है? अगर ये देवी यहाँ से चली गई, तो हम गरीब हो जाएंगे, तलवार फेंक दो। कैसे बाप हो तुम, तुम्हें अपनी बेटी पर जरा सी भी दया नहीं आती। तभी तांत्रिक सीमा को मारने के इरादे से उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन सीमा वो तलवार तांत्रिक के पेट में मार देती है। तांत्रिक वहीं गिर जाता है और मर जाता है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चलो अच्छा हुआ जो तूने इसे मार दिया, नहीं तो मैं ही मार देती इसको, बहुत लालची हो गया था। चल अब इसके हिस्से के पैसे तू ले लियो और मजे करियो अपनी बेटी के साथ, माँ को लालच दे रही है दुष्ट। जब मैंने अपनी बेटी के लिए अपने पति को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है, मैं एक माँ हूँ और मेरी बेटी मेरे लिए सबसे पहले है, अब तू मर। ऐसा कहकर सीमा तलवार से चुड़ैल की देवी की मूर्ति का सर काट देती है। मूर्ति का सर कटते ही चुड़ैल सोना के शरीर से बाहर आकर तड़पने लगती है और वहीं जल जाती है।